हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं लौकी का रायता बनाया जा रहा हूँ, जिसमें 500 ग्राम का लौकी लगेंगे। इसको मैं छील करके कद्दूकस कर लूँगी। इसको एक ओनियन है, इसको मैंने कट कर लिए हैं। मिर्ची, हरी मिर्च एक को मैंने कट किए हैं, सूखी लाल मिर्च। और जैसे जैसे मैं सारे इंग्रीडियंट डालूँगी वैसे वैसे आप लोग को। तो चलिए मैं लौकी को कद्दूकस करने जा रही हूँ। मैं लौकी को अच्छे से धुल करके तब उसके बाद में मैं उसे कद्दूकस कर लूँगी, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने लौकी को कद्दूकस कर चुके हैं। अब मैं गैस ऑन करके इसमें एक से दो गिलास के अलावा मैं पानी डाल दूँगी और गैस मैं ऑन करके इसे गर्म करूँगी। आप देख सकते हैं दो गिलास के अलावा पानी आप भी डाल दें और गैस को ऑन करके फुल फ्लेम पे सबसे पहले गर्म करें। उसके बाद में मैं इसमें लौकी ऐड करके उसको छन्नी से थोड़ा सा उबल जाए उसके बाद मैं छान लूँगी। आप देख सकते हैं इधर मैंने लौकी को उबाल लिए हैं। अब मैं गैस ऑफ करके इसे मैं छन्नी से छान लूँगी। ये आप भी निकाल लें, इसे अधिक नहीं गलने दें। आप देख सकते हैं मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अभी हल्के से ठंडे होने लगेंगे तो मैं इसे छान लूँगी। इधर मैंने छाछ का भी मिक्स कर लिए हैं, छाछ को अच्छे से उठलियाँ ना रहने दें। अब इस तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं ऐड करते जाऊँगी। चाट मसाला, नमक, चाट मसाला मैंने एक स्पून के लगभग डाला है, नमक है 1 स्पून के लगभग, नमक है, चीनी 1 स्पून के लगभग। इसको इन सबको आप मिक्स करते जाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स में डालूंगी, लौकी ठंडे हो जाएंगे। ये मैंने जीरा पाउडर लिए हैं, भुना हुआ जीरा है, चिली मिर्च 2 चुटकी के लगभग मैंने लिए हैं। अब मैं इसे प्याज और हरी प्याज और ग्रीन चिली जो है उसे भी मैं ऐड कर लूँगी। देख सकते हैं लौकी जब ठंडे हल्के हो जाएंगे तो मैं उसे भी इसमें ऐड करके अभी मिक्स होंगी। इधर मैंने तड़के के लिए, आज मैं तड़के वाली रायता बना रही हूँ, इसके लिए सरसों, लाल मिर्च कट कर लिए हैं, तेज पत्ते हैं। अब देख सकते हैं कि मैंने लौकी को छान करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे इसमें ऐड कर लूँगी और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। सब अच्छे से आप भी मिक्स कर लें। ओके, सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर डालें। देखिए ना अधिक पतला है ना अधिक गाढ़ा है, बहुत ही फायदेमंद और टेस्टी रायता होता है। इसमें मैंने हल्की सी चीनी भी डाल दी है, तो दही की खट्टापन भी अधिक खट्टी भी आपको नहीं लगेगी। इधर मैंने तड़के की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें सरसों जो मैंने आप लोग को बताया था सारे मसाले ऐड कर लेंगे, तड़क रहेंगे। आप देख सकते हैं और मैं इसे देख सकते हैं मैंने तड़क दिए हैं पूरे से। अब इसे इसमें आप ऐड कर लें, इसको और भी टेस्ट इससे 4 गुना अधिक टेस्ट बढ़ जाते हैं और खाने में और भी टेस्टी हो जाते हैं। ये बिल्कुल पार्टी वेयर की तरह का रायता है। प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाए, अपने घर पे इंजॉय करें और खाए, मुझसे शेयर करें कैसी बनी है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।